हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम एमसीक्यू करेंगे द स्नेक एंड द मिरर के। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और हाँ स्टूडेंट, अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। या अगर आपको साइंस के या सोशल सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो भी आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर डिड द नरेटर हैव हिज मील। नरेटर ने भोजन कहाँ पर किया था, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है एट होम, ऑप्शन बी है एट हिज फ्रेंड्स हाउस, ऑप्शन सी है एट हिज अंकल हाउस, ऑप्शन डी है एट अ रेस्टोरेंट। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है एट अ रेस्टोरेंट, यानी ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइम डिड ही कम बैक टू हिज रूम। तो कितना टाइम हो रहा था, यानी कितना समय हो रहा था जब नरेटर वापस अपने कमरे में आया। तो ऑप्शन है एट अबाउट 10 इन द मॉर्निंग, ऑप्शन बी है एट अबाउट 2 इन द आफ्टरनून, ऑप्शन सी है एट अबाउट 6 इन द इवनिंग एंड ऑप्शन डी है एट अबाउट 10 इन द नाइट। तो सही आंसर क्या है, एट अबाउट 10 इन द नाइट, यानी ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द नरेटर डू आफ्टर कमिंग इनटू द रूम। तो जब नरेटर अपने रूम में आया तो उसने क्या किया, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है ही लाइटेड अ केरोसिन लैम्प, ऑप्शन बी है ही स्विच ऑन द लाइट, ऑप्शन सी है ही लाइटेड अ कैंडल, ऑप्शन डी है ही सेट इन द डार्क। तो उसने क्या किया था, नरेटर ने जैसे ही वो अपने रूम में वापस आया तो उसने केरोसिन का जो लैम्प था उसको जलाया। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ही लाइटेड अ केरोसिन लैम्प। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द नरेटर से अबाउट द रूम वेयर ही लिव्ड। तो नरेटर क्या कहता था जहाँ पे वो रहता था, जिस रूम पे वो रहता था। तो ऑप्शन ए है इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, ऑप्शन बी है इट वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, ऑप्शन सी है देयर वॉज टू मैनी रेट्स इन इट, ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो नरेटर क्या कहता था, नरेटर कहता था कि वो जिस रूम में रहता है वो एक छोटा सा रूम है जहाँ पे वो किराए पे रहता है, उस रूम पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और वहाँ पे बहुत सारे चूहे रहते हैं। तो यानी ये सारे ही ऑप्शन सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द नरेटर लीव इन अ स्मॉल रेंटेड रूम। तो नरेटर एक छोटे से कमरे में क्यों रहता था, किराए के छोटे से कमरे में क्यों रहता था, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है ही वॉज अनमैरिड, ऑप्शन बी है हिज अर्निंग वर स्मॉल, ऑप्शन सी है देयर वॉज नो अदर रूम अवेलेबल, ऑप्शन डी है देयर वॉज वेरी क्लोज टू द क्लिनिक। तो उसका सही आंसर क्या है, ही अर्निंग हिज अर्निंग वर स्मॉल, उसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा छोटी थी इसलिए वो स्मॉल रेंटेड रूम में रहता था। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है Why could the writer not sleep? तो राइटर क्यों नहीं सोया था, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट, ऑप्शन बी है बिकॉज द रेड्स आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नाइदर ए और बी। तो राइटर इसलिए भी नहीं सोया था, क्यों, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और दूसरा वो इसलिए भी नहीं सोया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चूहे थे, वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, शोर कर रहे थे, तो इसलिए राइटर नहीं सोया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ही चीज सही है कि बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट एंड द रेट्स आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। ओके, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है What book did the narrator take out to the read? तो कौन सी बुक थी जो नरेटर ने निकाली पढ़ने के लिए। तो ऑप्शन ए है द लाइफ ऑफ अ डॉक्टर, ऑप्शन बी है लिविंग अलोन इन अ रेंटेड रूम, ऑप्शन सी है मैट्रिका मैडिका, ऑप्शन डी है द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न सर्जरी। तो उसने कौन सी बुक निकाली थी नरेटर ने, वो निकाली थी ऑप्शन सी मैट्रिका मैडिका, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट बिग क्वालिटीज डिड द नरेटर थिंक ही हैड। तो नरेटर पे क्या बहुत बड़ी क्वालिटी थी जो कि नरेटर सोचता था कि ये तो मेरी बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए है ही वॉज अ हैंडसम, ऑप्शन बी है ही वॉज अ बैचलर, ऑप्शन सी है ही वॉज अ डॉक्टर, ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो जो नरेटर था वो नरेटर अपने पे ये क्वालिटी सोचता था कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, साथ में वो बैचलर भी है क्योंकि वो अनमैरिड है और वो एक डॉक्टर भी है। तो यानी ये तीनों ही क्या है, ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल दी अबव, यानी ऑप्शन डी। तो ये थे एमसीक्यू।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो फिर थैंक यू।